हेलो पीपल, यूके एफ एम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है हमारे उत्तराखंड के कुछ होनहार स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने अपने 10th और 12th के रिजल्ट्स में बहुत अच्छा किया, इनफैक्ट टॉप किया है। तो हमारी यूके एफ एम की जो टीम है, इन्होंने इनके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं 10वीं के टॉपर वैभव पुंडीर, जो सेंट थॉमस स्कूल पौड़ी के छात्र हैं। इन्होंने 98.4% के साथ आईसीएसई बोर्ड में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। वैभव का लक्ष्य इंजीनियर बनने का है। वैभव की स्ट्रेंथ यह है कि वह कुछ भी चीज बड़ी जल्दी से समझ जाते हैं। उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। दृष्टि रतूड़ी, इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 91.4% मार्क्स के साथ 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इन्होंने फ्रेंच सब्जेक्ट में 100 में से 99 नंबर लाकर अपने स्कूल में फ्रेंच सब्जेक्ट में टॉप किया है। दृष्टि की स्ट्रेंथ यह है कि वह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। उन्हें पता है उन्हें क्या चीज कब और कैसे करनी है। दृष्टि हम सबके प्यारे इंटरनेशनल समाज सेवक रोशन रतूड़ी जी की भतीजी हैं। अब बात करते हैं 12वीं की छात्रा अंशिका गुसाई की, जो श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल ऋषिकेश की छात्रा थी। इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 95.6% के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। अंशिका ने इससे पहले वर्ष 2018 में 96.5% मार्क्स के साथ 10वीं में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इन्होंने हमारे पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। दोस्तों, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आइए इन टॉपर्स से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो वैभव पुंडीर, कैसा लग रहा है आपको? लाइक वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट? मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। मैंने मेहनत बहुत की थी। आई रियली वर्कड हार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी। ओह दैट्स नाइस। सो टेल अस अबाउट योर स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन। एज सच मेरी कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, बस ये कि जो टीचरों ने पढ़ाया स्कूल में वो ध्यान से पढ़ा, जो उन्होंने की पॉइंट्स बताया वो नोट किए और घर आके सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस वैभव, सो आर यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया? यस आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको कि जो ये सोशल मीडिया है वो स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? जहाँ तक बात रही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वो डिपेंड होते करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब आगे का क्या सोचा है, लाइक किस फील्ड में जाना चाहोगे आगे? मुझे बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैं हमेशा से ही साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ओह दैट्स नाइस, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। आइए दोस्तों अपनी अगली टॉपर से बात करते हैं। दृष्टि, कंग्रेचुलेशंस, आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज दृष्टि रतूरी। तो दृष्टि, आप ये बताओ कि क्या फीलिंग थी जब आपने अपना रिजल्ट देखा? एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, क्या था? जैसे सभी स्टूडेंट्स को होता ही है, नर्वसनेस फील होती है, तो मुझे भी सेम फील हो रही थी। बट मुझे ये यकीन था कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे मिलेगा, और मुझे मिला भी। तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। वेरी नाइस दृष्टि। सो लाइक आपके 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है नो, इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना, पढ़ना। तो आपने कैसे किया ये सारा का सारा मैनेज? सो मेनली मेरे पे 5 सब्जेक्ट्स थे, सोशल, साइंस, फ्रेंच, मैथ्स और इंग्लिश। सो फ्रेंच मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो जब भी मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं फ्रेंच पढ़ लेती थी। और जो मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट्स थे वो थे साइंस और मैथ्स। अब एवरीवन नोज कि इसमें कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स में इतनी प्रैक्टिस, एंड मैथ्स तो प्रैक्टिस पे वेस्ट है। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, उस पर बहुत फोकस करती थी। और जो लर्निंग सब्जेक्ट है एक, वो सोशल साइंस, वो मेरा एक इन अ वे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, और उसमें मेरे बहुत अच्छे आते भी थे, क्योंकि मैं NCERT बिल्कुल 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 ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ती थी। हाँ मे बी सम ऑफ द अदर मिस हो जाते थे, लेकिन बट स्टिल NCERT इज़ द की फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन सोशल। सो इस वे से मैंने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े। एंड इंग्लिश, इंग्लिश में तो
सिमिलर टू फ्रेंच. जब भी मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था तो इंग्लिश पढ़ती थी, क्योंकि इंग्लिश में एक चैप्टर रीड करने से बहुत सारा समझ आ जाता था. दैट्स वेरी नाइस दृष्टि. तो क्या सोचा है इसके बाद, आप कौन सा स्ट्रीम आप चूज करना चाहोगे? मैंने कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम चूज की है. मेन रीजन ऑब्वियसली ये था कि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं पसंद, तो यस. एंड द सेकंड रीजन ये है कि मेरी बहन, उसने भी कॉमर्स विद मैथ्स चूज किया था, और जब भी वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे ये सब्जेक्ट्स. तो मेनली वो भी है, तो इसलिए मैंने कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम चूज किया. वाओ, दैट्स नाइस. सो सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? द सीक्रेट बिहाइंड माय सक्सेस इज फोकस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. सो मैंने यही चीज़ें फॉलो करके इतने 91.4% मार्क्स ला पाई हूँ. एंड मैंने बिल्कुल भी ट्यूशन्स नहीं लिए, ना तो मैथ्स ना तो साइंस, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं लिए. मुझे ये यकीन था कि मैं अगर खुद से पढ़ूँ और किसी पे ना डिपेंड होकर पढ़ूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी और मुझे ज़्यादा समझ में भी आ सकता था. और मैंने जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपनी टीचर्स से पूछती थी, या तो फिर मैं मेनली जो मैं करती थी वो था YouTube वॉज माई मेन सोर्स ऑफ स्टडी. ओके, YouTube पे तुम कोई भी एक चैप्टर का नाम अगर मैं सर्च करती थी वो आ जाते थे, तो फिर उससे मेरे को बहुत ईजीली बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मैं ग्रास्प कर सकती थी ईजीली, और फिर मुझे जल्दी समझ भी आ जाते थे. तो ट्यूशन्स मुझे नहीं लगता कि 10th तक तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है भी, बट देर आर सम थिंग्स इन विच यू आर वेरी वीक, सो यू विल रिक्वायर इट एट सम अदर टाइम. बट मैं इस साल भी यही ट्राई करूंगी कि ट्यूशन ना जाऊं और खुद से पढूं और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूं. वाओ, थैंक यू सो मच सृष्टि, और आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस. आइए दोस्तों, अपनी अगली टॉपर से बात करते हैं. इनका नाम है अंशिका गुसाई. हेलो नेहा जी, सबसे पहले तो आपका और UKSM के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया. ओके अंशिका, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने अपना रिजल्ट देखा? तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुई कि मेरे 95.6% आए, और मेरे घर वाले भी सब बहुत खुश थे मेरा रिजल्ट देख के. बहुत ही बढ़िया अंशिका. अंशिका, आपके लाइक 10th में भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहा, 12th में भी आपका इतना अच्छा आपका रिजल्ट रहा 12th का भी, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? लाइक इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे मैनेज करते हो? तो मेरे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते थे, जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, मैं उन्हें ज़्यादा टाइम देती थी, और मेरा एक शेड्यूल था जिस हिसाब से मैं प्रिपेयर करती थी अपने एग्जाम्स के लिए 10th में भी और 12th में भी. तो ये शेड्यूल काफ़ी हेल्प करता है आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए. ओह, दैट्स वेरी नाइस अंशिका. अच्छा अंशिका, ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू NCERT की जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट है 10th एंड 12th के लिए, या फिर सप्लीमेंट्री बुक्स भी यूजफुल होती हैं? नेहा जी, 10th और 12th के बोर्ड्स के लिए NCERT मस्ट है और जरूरी भी है. ये बहुत हेल्प करती है आपको अच्छा स्कोर करने में. सप्लीमेंट्री बुक्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमें डीप डिटेल चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो सप्लीमेंट्री बुक्स हेल्प करती हैं. पर NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने तो NCERT से ही प्रिपेयर किया था अपना 10th के लिए भी और 12th के लिए. ओके, दैट्स नाइस अंशिका. तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या मेंटल प्रेशर से बचने के लिए क्या करते हो? मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं अपने फैमिली के साथ बैठती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, गाने सुनती हूँ, कभी वॉक पे निकल जाती हूँ, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है और मेरा स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है. That's nice, अंशिका. अंशिका, जैसे कि now you have cleared your 12th, तो अभी तो obviously आपका भी कुछ होगा future plannings, क्या करना है? क्योंकि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें पता रहता है, वो मतलब बहुत स्मार्ट इनफ होते हैं कि उनको पता है कि हमें आगे क्या करना है, तो वैसे ही आपका कुछ फ्यूचर प्लान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? नेहा जी, मैं हमेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, और इसके लिए मैंने JEE मेन्स का फॉर्म भरा है और मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. अगर सबका आशीर्वाद रहा तो मैं JEE मेन्स क्वालिफाई कर लूंगी. वेरी नाइस अंशिका, आपने इतना कुछ बताया और इतनी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन दी, अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच एंड आई विश अ वेरी गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर. थैंक्स नेहा जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बार फिर से आपके पूरे चैनल UKSM का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया. थैंक यू सो मच आप तीनों को, आप तीनों ने अपना टाइम निकाला, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप तीनों को. ओके, तो एक कॉमन क्वेश्चन है आप तीनों के लिए. As of now, the whole nation is looking up to you.
तो हमारे UKFM चैनल के मीडियम से आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जो उनके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो? मैं UKFM के माध्यम से सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक एम रखें और अपने एम पर ही फोकस रहें। As now the nation is looking up to me, मैं UKFM के द्वारा यह कहना चाहती हूँ कि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को जिंदगी में कभी ना भूलें। यही चीज़ें हैं जो आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगी। आप चाहे एक घंटा पढ़े या आधा घंटा पढ़े, मन लगा कर पढ़े, बहुत ही गहराई से समझिए। थैंक यू नेहा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि अपना एक एम पहले से सेट होना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए हमें लगातार हार्डवर्क करना चाहिए। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और अपना हार्डवर्क जारी रखना चाहिए ताकि हम अपने एम को अचीव कर सकें। अगर हम लगातार हार्डवर्क करेंगे तभी हम अपना एम अचीव कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच आप तीनों का, और आई होप कि आपसे इस तरह से दोबारा से बात करने को मिले। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तीन थे हमारे टॉपर, उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, जिन्होंने भी इस वक्त 10th और 12th पास आउट किया है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।